हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। गाइज, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Realme XT के लिए आ चुका है एक लेटेस्ट अपडेट। काफी बड़ा चेंज लगा इस अपडेट के अंदर, काफी सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइज, बिना किसी तरीके चलिए इंस्टॉल करते हैं अपडेट को और देखते हैं सभी सारे चेंजेस को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। Realme XT के लिए न्यू वर्जन हो चुका है डिटेक्ट, एंड्रॉइड 10 Realme UI C.06 का अपडेट ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है, सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन की गई है और साथ में कुछ नोन इशूज को फिक्स भी किया है। तो ये है पूरा चेंज लॉग आपको देखने के लिए मिल जाता है। पहला चेंज सिक्योरिटी के अंदर, आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जुलाई का देखने के लिए मिल जाएगा। Realme लैब के अंदर आपका स्मूथ स्क्रोलिंग का फीचर ऐड कर दिया गया है। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे एडेड मल्टी यूजर फीचर, मल्टी यूजर का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको ऑप्टिमाइज्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर ऑप्टिमाइज कर दिया गया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फीचर को। गाइज, अगला चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है सिस्टम के अंदर, ऑप्टिमाइज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ स्वाइप बैक जेस्चर। स्वाइप बैक जेस्चर की ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया गया है। ऑप्टिमाइज ब्लूटूथ बींग टर्न ऑफ वैन फ्लाइट मोड इज टर्न ऑन मैकेनिज्म। जब आप एयरप्लेन मोड को यूज करेंगे तो उसके साथ में ब्लूटूथ मोड को भी यूज कर पाएंगे। देन गाइज, आपको यहाँ पे फिक्स सम नोन इशूज एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है और साथ में आपके नोन इशूज को फिक्स किया गया है। तो चलिए गाइज, अब सभी चेंजेस को हम परफॉर्म कर लें। सबसे पहला चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है, वो आपको मिल जाता है एडेड सिक्योरिटी पैच। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच जुलाई का देखने के लिए मिल जाएगा, लेटेस्ट वाला। और गाइज, अब आपको सेकंड चेंज देखने के लिए मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर, स्मूथ स्क्रोलिंग का फीचर आपका ऐड कर दिया गया है। तो आपको जाना होता है सिंपली सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको रियलमी लैब के अंदर देखने के लिए मिल जाता है स्मूथ स्क्रोलिंग का फीचर। तो इसको आप जब अनेबल कर देंगे तो आपकी टच काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी और टच का एक्सपीरियंस आपको कुछ अलग ही देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन टच आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। देन गाइज, आपको यहाँ पे मल्टी यूज़र का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। मल्टी यूज़र का फीचर आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा यूज़र हैं तो आप दोबारा से सेटअप कर सकते हैं पूरे फोन को दूसरे यूजर के लिए भी। गाइस, अगला जो चेंज है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। तो ऑप्टिमाइज कर दिया गया है आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आइकन को और साथ में आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करना होगा। देन गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसे अनेबल कर लेंगे तो इसके बाद आपका आइकन काफी छोटा हो जाएगा और काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और इसकी लेंथ भी आप कहीं तक इसे ले जा सकते हैं। गाइज, मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट चेंज की, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ स्वाइप बैक जेस्चर। स्वाइप बैक जेस्चर की जो ट्रांसपेरेंसी थी वो यहाँ पे इंप्रूव कर दी गई है। तो आपको जाना होता है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है स्मार्ट कन्वीनियंस टूल्स। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है नेविगेशन बटन्स के अंदर। यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और आपको यहाँ पे स्वाइप अप जेस्चर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया गया है। हाइड जेस्चर गाइड बार का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप गाइड बार्स को हाइड कर सकते हैं। देन गाइज, मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट चेंज की, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाता है ब्लूटूथ प्लस एयरप्लेन मोड का। तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ का और एयरप्लेन मोड का एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एयरप्लेन मोड को अनेबल करता हूँ। देन गाइज, मैं ब्लूटूथ मोड को भी अनेबल कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप, दोनों ही चीज़ें मेरी एक साथ दोनों चला सकता हूँ मैं। अब गाइज, मैं लास्ट बात करता हूँ आपसे, तो यहाँ पे बैटरी के इशूज़ भी फिक्स होंगे कुछ और कैमरा के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं कैमरा की क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए मिलने वाली है। तो गाइज, बैटरी के रिगार्डिंग मैं आपको एक दो दिन के अंदर बता सकता हूँ कि बैटरी का यूजेज मेरा कैसा रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज, ये था पूरा चेंज। गाइज, कैसा लगा आपको अपडेट मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर अपडेट आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।